हेलो गाइस तो कल जैसे कि हम लोगों ने बात किया था हमने विटेकर का हमने फाइव सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसके बाद मैंने कुछ बताया था कि उसमें जो है क्या क्या सही करा तो वो हम बात करेंगे पर जैसा कि कल मैंने बात की थी कि सबसे पहले मैं उसके फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन है उसको मैं डिटेल में बताऊँगा क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो अब जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पर मान लीजिए कि फीचर्स ठीक है हम एक टेबल बनाएंगे जो कि आपके एन की टेबल है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा एक तो फीचर्स हो गए अब उसने जो थे पाँच अलग अलग तरह के किंगडम थे उसका पहला तो था मोनेरा ठीक है देन इट वॉज प्रोटिस्टा देन फंगाई फिर था प्लांटे एंड देन एनीमेलिया ठीक है ये उसने पाँच किंगडम बनाए थे अब पहला फीचर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला फीचर है सेल टाइप ठीक है अब सेल टाइप के अंदर क्या हुआ सेल टाइप के अंदर इस तरीके से हुआ कि प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है ठीक है ना ठीक है तो प्रोकैरियोट सिर्फ एक मोनेरा जो होता है वो होता है प्रोकैरियोट देखिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट से क्या समझते हैं हालांकि हम इसके बारे में डिटेल में मैं आपको सेल बायोलॉजी जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि प्रोकैरियोट क्या होता है यूकैरियोट क्या होता है मतलब आप एक तरीके से इसको ये मान लीजिए जो सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो उनके अंदर होते हैं कैसा सेल होता है प्रोकेरियोर्ट सेल होते हैं ठीक है ना जो मतलब वेल डिफाइंड नहीं होता है जिसके अंदर प्रॉपरली आपको क्या बोलते हैं सारी तरह की तरीके मशीनरी

कि सेल आपका जो उसका है अभी कह सकते हैं सेल वॉल ठीक है ना सेल वॉल की अगर मैं बात करूँ ठीक है अब सेल वॉल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो देखिए सेल वॉल किस तरीके से आएगी उसकी मतलब ये जो होते हैं आपके जो हो गए ठीक है मॉन्ड्रा के अंदर क्या मिलेगी आपको सेल वॉल मिलेगी लेकिन वो कैसी होती है नॉन सेल्यूलोजिक होती है नॉन सेल्यूलोजिक नॉर्मली देखिए सेल्यूलोजिक का क्या मतलब होता है सेलूलोज जो होता है वो एक तरीके से ठीक है एक पॉली होता है ठीक है ना सेलोलोज इज़ अ पॉली तो नॉर्मली ठीक है ना ये वाली जो सेलूलोजिक सेलवाल cell है ये प्लांट में मिलती है यहाँ पे कैसी मिलेगी सैल्यूलोजिक सेल्वल cell देखने को मिलती है ठीक है हम जब बायो बायोमलक्यूज जब हम पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा पोलीसेक्राइड्स मोनोसेक्राइड्स डाइसेक्राइड्स आप लोगों को याद हो तो हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम कवर किया था तब भी मैंने आप लोगों के नाम पोलीसेक्राइड्स और डायसेक्राइड्स का नाम लिया था जो कि हम अल्टीमेटली किसके लिए करते हैं शुगर स्टार्च के लिए हम बोलते हैं ठीक है अल्टीमेटली तो इनकी कैसी होती है नॉन सेलुलोजिक मतलब सिर्फ सेलुलोज से नहीं बन के मिलती इनकी कैसे होती है पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड से मिलकर बनती है इनकी सेल वॉल ठीक है ये तो आ गई मोनेरा में इसके बाद आ गया हमारे पास प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा के अंदर कुछ मेंबर्स में मिल जाएगी ठीक है सब मेंबर्स के अंदर आपको सेल्लोजिक वॉल सेल देखने को मिल जाएगी इसमें फंगाई में डेफिनेटली प्रेजेंट होती है सेल वॉल पर अब जैसे कि आप लोगों को याद हो तो देखिए ये मैंने ये देखो कल ही बताया था वॉल यहाँ पे काइटिन की बनी होती है वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन हेयर ठीक है यहाँ पे जो सेल वॉल थी वो कैसे बनी हुई थी वो काइटिन की बनी हुई थी ठीक है तो ये मैंने सेल वॉल के बारे में बता दिया ठीक है हमने क्या क्या कवर कर लिया सेल टाइप कवर कर लिया सेल वॉल एक सेकेंड एनिमल्स रह गया तो एनिमल्स में हमने कल भी बात की थी कि सेल वॉल इज एब्सेंट सेल वॉल इज एब्सेंट ठीक है एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एबसेंट मिलेगी अब मैं थर्ड फीचर की अगर बात करूँ थर्ड फीचर कौन सा आता है दैट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थर्ड फीचर इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ठीक है थर्ड फीचर आ गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर देखें तो देखिए जो मोनेरा है वो कैसे होता है सेलुलर होते हैं मतलब उनमें सेल देखने को मिलता है ठीक है सेल देखने को मिलता है मतलब सिंगल सेल ठीक है यूनी बोल सकते हैं इसको हम यूनीलर हो गए अब जो प्रोटिस्टा होते हैं वो होते हैं कैसे होते हैं वो भी सेलुलर ही होते हैं ठीक है थीके? वो भी कैसे होते हैं यूनी सेल मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली यूनी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि सेल ठीक है तो ए ना आपके जो प्रोटिस्टा हो गए वो कैसे हो गए दीज आर यूनी ठीक है अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फंगई की ठीक है फंगई कैसे देखने को मिलते हैं तो फंगई जो होते हैं वहाँ से मल्टी सेलूरिटी जो होती है वो शुरू हो जाती है देखिए जो फंगई है उसमें क्या देखने को मिल जाएंगे मल्टी सेल्युलर इसको क्या बोल सकता हूँ मैं लूज टिश्यू भी बोल सकता हूँ ठीक है फंगई कैसे हो गए मल्टी सेलूर है लूज टिशू सनमाय तो ये तो सिंगल सेलर ठीक है, है? यहाँ पे बहुत सारे सेल्स देखने को मिल जाते हैं अब जैसे आप प्लांटे में जाएंगे तो प्लांट्स में आपको टिश्यूज़ भी देखने को मिल जाएंगे ठीक है टिश्यूज़ भी देखने को मिल जाएंगे ऑर्गन भी देखने को मिल जाएंगे टिश्यूज मैंने बताया था ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं ऑर्गन ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ ऑर्गन बनाएंगे तो टिश्यूज or, ऑर्गन दोनों देखने को मिलेंगे एनिमल्स में तो आपको देखिए एनिमल्स में आपको टिश्यू भी देखने को मिलेगा ऑर्गन भी देखने को मिलेगा एंड ऑर्गन सिस्टम भी देखने को मिलेगा ऑर्गन सिस्टम भी आप लोग को देखने को मिलेगा तो ठीक है ये आ गया तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ठीक है चौथे की बात करूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया अब आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है ठीक है तो अब अगर मैं बात करूँ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की तो देखिए इसमें हम क्या देखेंगे हाँ एक सेकेंड यहाँ पे बॉडी ये एक्चुअली सॉरी ये वाला जो मैंने बताया ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था ठीक है ये जो मैंने आप लोगों को बताया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था ये ये वाला पॉइंट ये मैंने गलती से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल दिया यहाँ पे ठीक है तीसरा पॉइंट था हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड द फोर्थ पॉइंट विल बी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ठीक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ एक मोनेरा में प्रेजेंट नहीं होती बाकी सब में प्रेजेंट होती है ठीक है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक तरीके तो से अगर आप देखें तो सेल टाइप से कॉमन यहाँ पे फीचर मिलता जुलता आ रहा है यहाँ पे देखिए सेल टाइप जैसे हमने बोला इसमें प्रोकेरियोड्स से बाकी सारे न्यूकरियड्स उसी तरीके से यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती मतलब जो न्यूक्लियस होता है ठीक है उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो नहीं मिलती किसमें में में तो ये बात हमेशा रखिएगा जो प्रोकेरियोड्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती बाकी सबके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल जाती है ये मैंने गलती से बोल दिया था ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आ गई हाँ तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है देखिए आप समझ भी सकते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हेडिंग के अंदर ये यह बोल सकते बॉडी कि कितनी ऑर्गेनाइजड है ठीक है बॉडी कितनी ज्यादा ऑर्गेनाइज है मतलब कम ऑर्गेनाइज है फिर और कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स मतलब टिश्यू टिश्यू के बाद ऑर्गन ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम अगर यहाँ तक जा रही है मतलब बॉडी इज मैक्सिम ऑर्गेनाइज तो सबसे ज्यादा ऑर्गेइज इसकी देखिए हमने एनीम लिया कि उससे कम प्लांटे और फिर जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं न्यूक्लियर मेब्रेट मैंने आपको बता दिया प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलती बाकी सब में आपको देखने को मिल जाती है फिफ्थ पॉइंट जो था दैट वॉज मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि न्यूट्रिशन का क्या मोड था उनका ठीक है अब अगर मैं बात करूं मोनेरा की तो देखिए मोनेरा जो थे वो ऑटोट्रॉफिक भी थे और हिट्रोट्रॉफिक भी थे तो मोनेरा के अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद से खाना बनाने वाले लेकिन इसमें भी दो तरीके से देखिए नॉर्मली आप जानते हैं ऑटोट्रॉफिक वाले फोटोसिंथेटिक होते हैं क्या फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं एक और होता है जो हम पढ़ेंगे कीमोसिंथेटिक केमिकल्स के थ्रू खाना बनाना है ठीक है कीमो सिंथेटिक जब हम मैं आपको मोनेरा पढ़ाऊंगा तब मैं डिटेल में बताऊंगा क्या होता है कीमो सिंथेटिक इतना जान लीजिए फोटो सिंथेटिक तो हो ही गया एक ठीक है और कीमो सिंथेटिक केमिकल्स के थ्रू भी खाना बनाते हैं तो ये ऑटोट्रॉफिक में दो पार्ट आ गए है कि इसमें मुनरा में, में। हिट्रोट्रॉफिक भी होते हैं हिट्रोट्रॉफिक में क्या होते हैं हेट्रोट्रॉफिक में ये होते हैं तो सेप्रोफाइटिक ठीक है सेप्रोफाइटिक होते हैं सेप्रोफाइटिक मतलब जो डेड रिमेन्स के ऊपर जो फीड करते हैं अल्टीमेटली जो डेड ऑर्गन्स हो गया है जो डेड ह्यूमन बींग्स या जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर फीड करने वाले होते हैं सेप्रोफाइट इसके अलावा और क्या देखने को मिल जाएंगे आपको पैरासिटिक पैरासाइट्स ठीक है जो कि लिविंग पे ना बिल्कुल होस्ट जो होता है जो एक होस्ट के ऊपर पूरा फीड करता है उस होस्ट पर ही सब कुछ डिपेंडेंट होते हैं तो इनका हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसा होता है सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक और ऑर्डोट्राफिक न्यूट्रिशन कैसा होता है फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक ठीक है ये तो आ गया मोनेरा अब प्रोटेस्टा की बात अगर मैं करूँ तो देखिए प्रोटिस्टा में क्या होता है प्रोटिस्टा में सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफिक होता है ठीक है कैसा फोटो ऑटोट्रॉफिक में कैसा होता है सिर्फ और सिर्फ फोटो होता है यहाँ पे कीमो सिंथटिक नहीं होता कीमो सिंथेटिक सिर्फ और सिर्फ आपको मोनरा में देखने को मिलेगा और हेट्रोट्रॉफिक होता ही है इनके अंदर ठीक है बस हीटोट्राफी के अंदर कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं है जो नॉर्मल जो न्यूट्रिशन होता है वो इसमें देखने को मिल जाएगा यहाँ पे स्पेसिफिक था कि सिर्फ इन दो तरीके से ट्रॉफिक होता है इसलिए बताना जरूरी था अब फंगई की अगर मैं बात करूँ तो फंगाई में ऑब्वियसली फंगाई का अभी भी ऑटोट्राफिक नहीं होती इनमें सिर्फ और सिर्फ आपको हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही देखने को मिलेगा हीट्रोट्रॉफिक में भी कौन कौन से एक तो वही सेप्रोफाइटिक और एक वही पैरासिटिक तो दो जो हमने अभी मंदरा में देखे थे टोट्राफी के वही आपको न्यूट्रिशन देखने को मिल जाएंगे ठीक है इसके अलावा आप प्लांटे प्लांटे आप लोग जानते ही हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और ऑटोट्रॉफिक में भी कौन सा फोटो सिंथेटिक इसमें कोई शक ही नहीं है इनके अंदर हीटोट्रॉफिक नहीं होता ठीक है एक आध एक्सेप्शन की मैं बात नहीं करूँगा बाकी इन जनरल बात कर रहे हैं हम यहाँ पर जो भी बात कर करें हम मैक्मम हम ऑर्गेनिजम्स को कंसिडर कर रहे हैं कि उस किंगडम में मैक्मम ऑर्गेनिजम्स का क्या न्यूट्रिशन है उसके अकॉर्डिंगली हमने कंसिडर किया है इसके अलावा एनिमल्स में कभी ऑडोट्राफी नहीं होता उनमें सिर्फ और सिर्फ हिटोट्रॉफिक होता है और हीटो भी कौन सा होता है एक तो होलोजोइ होलोजोइक मतलब जो मुंह से खाते हैं ना जिसके अंदर मुंह से खाना खाया जाता है वो होलोजोइ हो गया ठीक है ना प्रॉपर्ली जैसे अपन ह्यूमंस जैसे खाते हैं तो अपना जो न्यूट्रिशन होता है उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं अगर कभी आपसे पूछ ले कि जो ह्यूमन बींगस का जो न्यूट्रिशन है उसको क्या नाम दिया जाता है होलोजॉक न्यूट्रिशन बोलते हैं इसके अलावा एक सेप्रोफिटिक भी होता है ठीक है एनिमल्स के अंदर सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी होता है ठीक है ये हमने फाइनली ये आर एस विटेकर का जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था उसके हमने डिटेल स्टडी किए कि उसने क्या क्या करेक्टरस्टिक्स यूज़ किए और हर एक किंगडम में वो करेक्टरस्टिक किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हैं ठीक है ना अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यूनीलुलर यू कैरियोर्स किस में देखने को मिलेंगे यूनीलुलर यू कैरियोर्स तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही में देखने को मिलेंगे प्रोटेस्टा में ये मैं पढ़ा चुका हूँ अभी देखिए यूकेरियोट है मतलब मोनेरा नहीं होगा बाकी चार हो सकते हैं और यूनीलर सिर्फ और सिर्फ एक ही यूकेरियोटैस है जो कि यूनी होता है विच इज़ प्रोटिस्टा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पूछ लिया जाता है यूनी सेलर यूकेरियोट ये याद होना चाहिए प्रोटिस्टा होता है अब देखिए प्रोटिस्टा के अंदर जो होता है ना प्रोटिस्टा में एक्चुअली जब अब ये बना तो इसमें कई अलग अलग तरह के ना ऑर्गेनिजम्स को साथ लेके गया जैसे कि एक क्लेमाइडोमोनास ठीक है एक था क्लेमाइडोमोनास ठीक है एक था क्लोरेला ठीक है ये दोनों को पहले किस में डाला गया था पहले इनको प्लांटे में डाला गया था क्योंकि ये दिखते प्लांट जैसे हैं लेकिन इनको पहले ना क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल भी थी ठीक है ना लेकिन इनको पहले प्लांट्स प्लांट प्लांट में डाला गया था ठीक है इसके अलावा जो कि अमीबा है ठीक है अमीबा एंड पैरामीशियम एंड पैरामीशियम आप लोगों का नाम सुना होगा अमीबा पैरामीशियम का इन दोनों को किस में डाला था एनिमेलिया में डाला गया था स्टार्टिंग में जब मैंने बताया लिनियस का क्लासिफिकेशन हुआ था तब इन दोनों को डाला था एनिमेलिया में और इन दोनों को डाला था प्लांटे के अंदर ठीक है लेकिन जब ये फाइव फ्यूनटर क्लासिफिकेशन बना तो इन चारों ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा के अंदर डाला गया वहाँ से निकाल के इनको प्रोटिस्टा के अंदर डाला गया ठीक है जबकि क्योंकि अब देखिए इनको एनीमेलिया में डालता क्योंकि दे लैक द सेल वॉल ये सेल वॉल लैक करते थे इसलिए इनको डाल दिया ऐसा बोल के ठीक है ना लेकिन इनके अंदर तो होती है ठीक है ना इनको एनिमल किंगडम में डाला गया था जबकि एनिमल्स जो होते हैं एनिमेलिया होता है उनके अंदर तो सेलवॉल होती ही नहीं थी ठीक है लेकिन अब प्रोटेस्टा के अंदर फाइनली इनके जो जो मेन जो फीचर्स थे वो देखते हुए इन सबको फाइनली प्रोटेस्टा के अंदर डाला गया था तो इसका मतलब ये कह सकते हैं जो है ना पहले है ना जो क्लासीफिकेशन था तो उसमें जो अलग अलग जगहों पर जिन ऑर्गेनिजम्स को रखा था इस नए क्लासीफिकेशन में उन सभी को साथ में लाया गया जो एक जैसे दिखते हैं जिनके कैरेट्रिस्टिक्स एक जैसे हैं उन सबको एक जगह लाया गया तो द ऑर्गेनिजम्स आर क्या बोल सकता हूँ कि ऑर्गेनिजम्स आर पुट टुगेदर Organisms are to put together which were placed which were placed in different groups earlier, in different groups earlier. ठीक है तो अब हम ये कह सकते हैं कि क्रिटेरिया चेंज हो रहा है ना क्लासिफिकेशन के लिए कि स्टार्टिंग में हमने क्या सर प्लान्टोरिया में कहते देखिए कितने सारे क्रिटेरिया यूज़ किए क्लासिफिकेशन के लिए ठीक है तो और भी जैसे जैसे आगे फ्यूचर में हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होती जाएगी उसके अकॉर्डिंग और ये चेंजेस आते जाएंगे ठीक है ना अब हमने देखा ये सारे कितने इसमें जो तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि हमने देखिए सेल टाइप सेल वॉल देखा एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स कवर किया था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ये सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि ना इससे एक आइडिया हो जाता है कि जो भी हम ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं वो अल्टीमेटली ओरिजिनेट क्या कहाँ से हुआ है उसका सबसे प्रोमेटिव ओरिजिन कहाँ से हुआ मैमल सबसे पहले कहाँ से ओरिजिन हुए तो ये सब चीज़ों के बारे में अगर जानकारी मिलती है तो उस ऑर्गेनिज्म की स्टडी और अच्छी हो जाती है ठीक है तो इन सब चीज़ों के बारे में इन क्लासिफिकेशन में बात की गई है अब हम एक एक करके सारे किंगडम नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे